अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे। तो मैं सहरी बनाने के लिए उठी हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। एग्स जो है उनको बॉईल करते हैं। और ये है जी वो ड्रैगन फ्रूट, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो जो रेड सा फ्रूट होता है जो आप सहरी या इफ्तार में खाती हैं वो क्या होता है, वो ये होता है। उसके बाद इसका जो इतना बड़ा सा ये शेल होता है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब इन स्ट्रॉबेरीज की जो कैप है मैं इसको रिमूव करती हूँ। तो ये है जी हमारी सहरी, हम लोग सहरी करने लगे हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सहरी का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है और अब हम लोग नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने के बाद सो जाएंगे। साथ के साथ मैंने सोचा है कि मैं बर्तन जो है इनको भी वॉश कर लेती हूँ, ऐसा ना हो कि बाद में ऐसे ही पड़े रहे। ओके जी, सो आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये क्या है, तो ये जो है एयर को प्योरीफाई करता है, रूम में जो भी एयर होती है वो फ्रेश रहती है। मॉर्निंग, तो इट्स 7:48 और जुमा मुबारक। ये देखिए बाहर इतने सारे लोग ऑलरेडी अपने काम कर रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट कुरान पाक। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी ऐप यूज़ करती हूँ और तस्बीह में मैं फर्स्ट अशरे की दुआ पढ़ती हूँ, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये है वो वाली ऐप, इसका नेम है मुस्लिम प्रो। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इवन यहाँ पर तस्बीह भी है अगर आप तस्बीह करना चाहते हो यहाँ से। और ये आपका ट्रैक करेगी, दैट्स योर ट्रैकर, कि आपने नमाज़ पढ़ी है, रोज़े रखे या नहीं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है कुरान में जाकर। मैंने अब देखिए ये मैंने तीन जूस पढ़ लिए हैं ना यहाँ पर, अब फोर्थ पढ़ना है आज। तो सूरह में गई, सूरह आल इमरान थी मेरी, यहाँ पर मैं आई और अब ये खुद ब खुद मुझे वहाँ पर ले जाएगा। देखें मैंने यहाँ से छोड़ा था, अब देखती हूँ कि जूस मेरा कहाँ से स्टार्ट। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, जूस फोर। ये देखिए लन तनालुल बिर्रोहता, अब यहाँ से मुझे पढ़ना है। और ये इसकी ट्रांसलेशन है, इसकी जो ट्रांसलेशंस हैं वो उर्दू भी है, हिंदी भी है, टर्किश भी है, इंग्लिश भी है। और इंग्लिश में बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आप देख लें। उर्दू में इसको तीन लोगों ने ट्रांसलेट किया हुआ है, मैंने अहमद रज़ा की, आई थिंक अहमद अली और अहमद रज़ा, आई डोंट नो, उनकी मैंने की हुई है। और क्योंकि उनके ईजी वर्डिंग में थी इस वजह से, और इंग्लिश में भी मैंने की हुई है दो लोगों की। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मुझे सिपारे में, मतलब जो भी मैं जूस पढ़ती हूँ उसमें जो हुक्म होता है या जो मुझे बात कोई बहुत अच्छी लगती है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लेती हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ से जूस 5 स्टार्ट हो गया है, इट्स 9:37, आई हैव डन विद जूस 4, मतलब कि मेरा पारा नंबर 4 जो है वो हो चुका है। सो उसके बाद यहाँ पर जूस 4 हमारा कम्प्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गुड न्यूज़, अभी अभी मेरे इंस्टाग्राम पर 100K फॉलोअर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलरेडी 9:46, मैं अपनी क्लास लेने के लिए जा रही हूँ। मैं अपने स्टडी रूम में क्लास क्यों लेती हूँ, क्योंकि बेड के ऊपर बैठ के अगर क्लास ली जाए तो इंसान काफ़ी लेजी हो जाता है, नींद भी आती है, इसलिए मैं सेपरेट प्लेस पर बैठ कर जो है वो क्लास लेती हूँ। ये देखिए ये हमारी मीटिंग है विच आई हैव टू जॉइन। I have mentioned that it will reach some of the KZM. DGT. That's our presentation, guys. Human cancer and reproductive issues. अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ली है। जो टीचर ने हमें पढ़ाना था वो क्लास के स्टार्ट में हमें कंटेंट उन्होंने पढ़ा दिया था, सो आई एम नॉट लिसनिंग टू देयर प्रेजेंटेशंस बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट, राइट। हमारी तो प्रेजेंटेशन हो गई है, सो आई एम गोइंग नाउ एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर फ्राइडे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फ्राइडे में कैसे
जो है वो प्रिपेयर करती हूँ फ्राइडे के लिए. सो आई एम गोइंग टू बाय फ्लावर्स और फ्लावर्स से जो है मैं थोड़ा सा घर को डेकोरेट करूँगी और उसके बाद फ्राइडे की तैयारी करते हैं. आज हम लोगों ने सूरह कहफ भी पढ़नी है और इसके अलावा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को सारे के सारे रूटीन जो है उसको दिखा सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ. तो ये हमने मेथुएन ऐप जो है वो ओपन की और यहाँ पर जैन जो है इसको टाइप किया है फ्लावर्स ख्वा, और ये हमारे फ्लावर्स जो है वो आ चुके हैं. इसमें से मैं देखती हूँ कि मुझे कौन से वाले फ्लावर्स लेने, पहले मैं चूज़ कर लूँ उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ. तो आज फ्राइडे है, हम लोग बेड शीट चेंज करेंगे. सो दैट्स आवर बेड शीट. आई थिंक बेड शीट चेंज करने से बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक वाला डिफरेंस हो जाता है और आपका रूम भी बहुत अच्छा लगता है और फ्राइडे को तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है. देखें इतना न्यू लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है. लास्ट में हम इसके ये एलिमेंट ऐड कर देंगे एंड चेक दिस आउट, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग, राइट. सो दैट्स हाउ आवर रूम इज लुकिंग राइट नाउ. इसको मैं यहाँ से सारा उठाती हूँ और इनको वॉश करती हूँ. ये हमारा सर्फ आ गया यहाँ पर 21 मिनट्स के लिए, हम इसको चला देते हैं. ये इसके अंदर वॉश होते रहेंगे. ये हमारे कल वाले क्लोथ्स जो हैं इनको मैं रख रही हूँ, ये ड्राई हो गए थे. क्लोथ्स में आई एम गोइंग टू वेयर दिस आउटफिट टुडे, इट्स सो ब्यूटिफुल एंड वाइट. So I think I'm going to wear this. Some cleaning time. ये मेरा फ्लावर वाला जो है वो आ चुका है. वेट, कहीं जिंदा है. ये मैंने डोर को अनलॉक किया यहाँ से क्योंकि हमारे डोर से कोई भी अंदर एंटर नहीं हो सकता, तो उसने पहले मुझे कॉल किया, मैंने आंसर किया, उसके बाद मैंने इसको डोर को अनलॉक किया. अब डोर अनलॉक हो गया, अब वो ऊपर आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी. हमारे फ्लावर्स आ चुके हैं. ये वो पिक्चर लेते हैं, वो इसलिए पिक्चर लेते हैं कि उनको पता चले कि फ्लावर्स जो है वो डिलीवर हो गए हैं और ये हमारे 3-4 टाइप्स के फ्लावर्स हैं, इनको मैं डेकोरेट करूंगी एंड आई एम सो एक्साइटेड. माशाल्लाह से पूरे का पूरा घर क्लीन हो गया. अब मैं शॉवर लेने के लिए जा रही हूँ बिकॉज इट्स फ्राइडे, और जैन जो है वो अब घर में मॉपिंग करेंगे क्योंकि जैन ने कहा है कि वो मॉपिंग कर देंगे. तो यस, अस्सलाम वालेकुम जी. तो अब मेरा पार्ट स्टार्ट हो चुका है. मुझे सबसे पहले दो काम करने हैं. एक आंटी लोगों का मुझे लिटर साफ करना है और पूरे घर की मॉपिंग करनी है. तो सबसे पहले हम लोग करते हैं आरटी लोगों का लिटर. ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ अभी ये इसके अंदर क्या है, लेकिन मास्क इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इट्स सो स्मेली. अच्छा, ये जो हम लोग का कैट लिटर है, इसमें हम 2 टाइप्स के कैट लिटर्स यूज़ करते हैं. इसमें एक नेचुरल मिनरल सॉइल है जिसमें बेंटोनाइट कैट लिटर, सेकेंड ये वाला है टोफू कैट लिटर. इसमें काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, लाइक फ्रेग्रेंस के साथ भी है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि जब भी ये लोग जाते हैं इसमें लिटरिंग के लिए तो ये ज़्यादा स्मेली नहीं होता है. Okay, so task 1 completed. Now it's time for task 2. इसमें अब घर की मॉपिंग स्टार्ट करते हैं. Lily, let's clean your house. सो हियर आई एम. मैंने जो है वो क्लोथ चेंज कर लिए हैं और अभी मेरे बाल बहुत गीले हैं तो मैंने इनको कवर किया हुआ. मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ. नमाज़ पढ़ने के बाद आज सूरह कहफ पढ़ती हूँ. इट्स लाइक 12:50 और उसके बाद हमारी 1:30 पर क्लास भी है. सो अभी भी मैंने ये लिखा है फॉर फ्राइडे.
और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है ताकि जिसको नहीं याद या जिसको भूल जाता है उसको याद आ जाए, और ये मैं हर फ्राइडे को जो है वो पोस्ट करती हूँ। अच्छा जी, ये हमारी सेकंड क्लास है, पता नहीं किस वजह से आई थिंक लाउशर का इंटरनेट ठीक नहीं है, सो ही इज सेंडिंग अस वॉइस नोट्स। डॉक्टर्स शुड यूज। अच्छा, जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं तस्बीह में क्या पढ़ती हूँ, आज मेरा फोर्थ डे है, डेली मैं 2000 टाइम्स पढ़ती हूँ, और ये पहले अशरे की दुआ है, जो फर्स्ट अशरे की दुआ है, रब्बिग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन, ठीक है, इसके नीचे ये इसका जो है वो ट्रांसलेशन है, ये पहले अशरे की दुआ पढ़ती हूँ मैं एवरी डे 2000 टाइम्स। जब 10 डेज हो जाएंगे फिर मैं सेकेंड अशरे की दुआ ये पढ़ूँगी अस्तग़फ़ार, और जब 20 डेज हो जाएंगे तो ये लास्ट अशरे की दुआ ये होगी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अगर आपने भी पढ़नी है तो आप इसकी यहाँ पर ये पिक्चर ले सकते हो, और पिक्चर लेने के बाद आप भी इसको पढ़ सकते हो। सो हेयर जो है वो ड्राई हो चुके हैं, एंड थैंक यू सो मच जैन, आपने मेरी हेल्प की, और इनको मैंने लाइट लाइट सा बिल्कुल स्ट्रेट भी कर लिया है। सो हम लोग फूलों से डेकोरेशन करते हैं। आज भी हम लोग शायद बाहर जाएं, बट मैं आपको दिखाती हूँ, लुक एट द स्काई, सो ब्यूटिफुल राइट मानो लिली एम लिली आई चेक लिली हाँ जी सो क्यूट क्यूटो हो हैप्पी फ्राइडे। ये देखिए हमारा वाटर ख़त्म हो गया है, तो मैं उनसे जो है वो कॉल करके पानी मंगाती हूँ। हमने कॉल की, वे नोनोचे आनी हाओ वो सांग ई थियाओ ई बाओ द शुए यू शुई पियाओ आ तोय द तोय याओ शुई पियाओ हाओ द शाओ गेनी सोंगचे आ हाओ द शिशे नी ज़ाजियन। उसने मुझसे पूछा निया और शोएफिया हुआ, इट्स मीन लाइक के तुम्हारे पास वो जो पर्ची होती है जो हम दे के पानी लेंगे वो है। हमने बोला यस है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप 10 जो वो फ्याओ होती है, मतलब जो वो पर्ची होती है, वो आप 10 ले लें, और उसके बाद जब भी आपका पानी खत्म होता है आपने यहाँ पर कॉल करनी है कम्युनिटी में। कोई भी प्रॉब्लम होता है ना आपने कम्युनिटी में कॉल करनी है, वो एक सेकंड में आपके डोर स्टेप पर होंगे, तो वो आपको पानी भी दे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाए हम लोग अपने सेल से रिचार्ज कर लेते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहीं नहीं जाना होता। ये है हमारा वो वाटर कार्ड, इसको मैं एक दे दूंगी और हमें पानी मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है शोए प्याओ। सबसे पहले मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, लुक एट दिस, रमजान मुबारक, और ये हैं हमारे फ्लावर्स। अच्छा देखिए, इन्होंने हमें साथ में ये दिया है कि हमने क्या करना है, इसको पानी के अंदर, मतलब जो वास होगा उसके अंदर इसको डालेंगे, फिर हम इनको फ्लावर्स को इस पॉट में डाल देंगे, उससे क्या होगा कि इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनके मिलते रहेंगे। ये हमारी वाटर बॉटल दे दी, और ये हमारी वाटर बॉटल आ गई से ये देखें, और ये मेरे हस्बैंड जो है मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इन फ्लावर्स को जो है वो कटिंग कर रहे हैं, ये देखें। ओके जी, ओके डोकी, तो मैं इसको इसके अंदर डालने लगी हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है, और अभी इसके अंदर जिसका न्यूट्रिएंट था उसको जैन कट करने गए हैं, वो कट करके लेके आते हैं, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। वाटर मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया है, सो जुमा मुबारक एंड हमारी क्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब मैं देखती हूँ कि हमने क्या कुकिंग करनी है। आज मैं सोच रही हूँ कि हम लोग दाल चावल बना लेते हैं, क्योंकि लाइट भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, और इसके अलावा जो हमने उस दिन याद करें स्प्रिंग रोल्स बनाए थे तो हो सकता है वो फ्राई कर लें। सो अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं हाफ एन आवर अपना बैठ के थोड़ा सा पढ़ूंगी, और उसके बाद हम लोग दाल चावल बनाएंगे। नमाज मैंने पढ़ ली है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले जो है ना वो राइस को भिगो कर आ जाती हूँ, राइस भी इतना भीगे रहेंगे और उसके बाद फिर मैं बैठ के अपना पढ़ लूँगी। सो हम लोग राइस किचन में हैं राइस को भिगोने के लिए। और जो लोग पूछ रहे थे खजूरों का, ये देखें जी हमारी मबरूम खजूरें आ चुकी हैं,
और इतनी प्यारी खजूरें हैं, इतनी बड़ी और बहुत ही खूबसूरत खजूरें हैं माशाल्लाह। इन खजूरों को देखकर तो मुझे सऊदीया की याद आ रही है, दिल चाह रहा है अभी चली जाऊं। कब खुलेगा ये सब कुछ इंशाल्लाह। सुप्रीम बासमती। ये हमारा आ गया था आइसक्रीम का मोल्ड, इसको मैं ओपन करने लगी हूँ और हम कल बनाएंगे आइसक्रीम। ये देखें जी, ये पॉप्सिकल मोल्ड्स आ गए हैं हमारे। ये कुल्फी अब हम इसमें बनाया करेंगे। मैं सारे के सारे ये थ्रो करने जा रही हूँ। ये देखें, मैं 6 फ्लोर के ऊपर रहती हूँ, ठीक है। और जो हमारा पहले वाला फ्लोर था वो 17th पर था और ये वाला जो फ्लोर है ये 6th फ्लोर है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर ऊपर में नहीं जा सकती हूँ रूफ पर, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से। ये देखिए, यहाँ पर ये ग्रैंडपा है ना, इनके बच्चों के ग्रैंडपा ग्रैंडमाज इनको लेकर आए हुए होते हैं यहाँ पर और ये उनको मजे से खेल रहे होते हैं उनके साथ। क्यूट। तो मैं यहाँ कहीं पर बैठती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कितनी टॉल ये बिल्डिंग है। इसमें ऑलमोस्ट 27 फ्लोर है और हम लोग 6 फ्लोर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। 6 फ्लोर कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग यहाँ पर रहते हैं और अभी ऊपर इतने सारे घर हैं। हमारी जो पहले वाली कम्युनिटी थी वहाँ पर मैंने बहुत सारे फॉरनर्स को देखा था, लेकिन इस कम्युनिटी में कोई फॉरनर्स नहीं है। यहाँ पर एक अमेरिकन अंकल थे जो अपने डॉगी के साथ जा रहे थे बस, और कोई पाकिस्तानी नहीं है। आई थिंक मैं और जैन ही है। और मैं सोच रही थी आज फ्राइडे है, हम लोग ना मॉस्क जाएंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब हमने यहाँ पर मॉस्क फाइंड करना स्टार्ट की, वो 9.5 किलोमीटर्स फार अवे है। वो भी अभी हमें मैप में बता रहे 9.5। जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे इट विल बी मोर देन 9.5 आई थिंक। आई एम सो हैप्पी, यू नो वाई, क्योंकि कल को हमारी वैक्सीनेशन लग रही है, हमें फर्स्ट डोज लग रही है। यहाँ पर ये स्टिक पड़ी हुई है, मैं इसको उठा के फेंक दूँ, किसी के पाँव में आ जाए। इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, ये रास्ते में यहाँ पड़ी हुई थी, ठीक है। आई थिंक आई गॉट अ गो होम नाउ। मैं दाल चावल बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें इतने सारे बच्चे जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारा घर है इस बिल्डिंग के अंदर, और वो वाला जो है ये गेट है, यहाँ से आप बाहर जाते हो। ये जहाँ पर ये अंकल जा रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा घर है, ठीक है। और इसके बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर ये लोगों ने अपने प्लांट्स रखे हुए हैं अगर आपको डेकोरेशन करने के लिए। और देखिए यहाँ पर ये वाली बेल मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, मेरी मम्मा को प्लांट्स का इतना शौक है, तो मैं जहाँ पर भी प्लांट्स वगैरह, उसे मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन मैं जहाँ पर भी प्लांट्स देखती हूँ, लाइक अगर मम्मा होती ना वो कहती कि बस मैं अपने घर इसको ले जाऊँ। चलिए मैं घर जाती हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखिए मैं आपसे घर जा रही हूँ। अच्छा ये देखिए, ये है हमारी गैलरी, हम इस गैलरी में आ सकते हैं और यहाँ पर मास्क भी उतार सकते हैं। और गैलरी के बिल्कुल सामने हमारा घर है और यहाँ पर, यहाँ तक तो है मिरर, ठीक है। ये ऊपर से कोई मिरर नहीं है, ये देखें। और ये देखें कितनी ऊपर सामने वाली बिल्डिंग देखें कितनी टॉल है, तो हमारे यहाँ पर घर है। ये देखें, ये हमारा घर है और कितना प्यारा सामने वाला व्यू है माशाल्लाह। Look at the beautiful clouds. माशाल्लाह से आप देखिए चावल जो है कितने प्यारे हमारे बॉयल हो चुके हैं। और यहाँ पर ये जैन ने दाल बनाई है और अब मैं बनाने जा रही हूँ क्रीम चार और स्प्रिंग रोल, जो उनको फ्राई करने लगी हूँ। ये देखें, जो हमने उस दिन फ्रीज करके रख दिए थे, इनको आज मैं दो निकालूंगी और इनको फ्राई करूंगी। दाल चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं और अब मैं यहाँ पर रोल्स जो है इनको फ्राई कर रही हूँ। क्रीम चार मैं ऑलरेडी बनाई हूँ। इसके अंदर हम अपनी जो मबरूम डेट्स हैं ये डालेंगे वॉश करके। वाओ, ये देखें सो ब्यूटीफुल, राइट। तो हम लोग दुआ करने लगे हैं, लेकिन ये है जी हमारा टेबल, रोल्स हैं,
क्रीम चाट है और दाल चावल है और हमारा पानी है और हमारी मबरूम खजूरें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ और व्लॉग एडिट करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, आप लोगों का कल वाले कमेंट्स रीड करती हूँ एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। और अभी मेरे 300 टाइम्स तस्बीह जो है वो रहती है तो मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। कल हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी फ्राइडे, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव, बाय।